नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोयाबीन की फसल में कीट नियंत्रण के लिए कौन कौन से कीटनाशकों की अनुशंसा की गई है और जो कि सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड की सूची में शामिल है। और इस सूची में सबसे पहला नाम यहाँ पे देख रहे हैं कीटनाशक का क्विनाल्फॉस 25 cc, 1 लीटर प्रति हेक्टर इसकी अनुशंसित मात्रा है। लीफीविल कीड़े के लिए इसकी अनुशंसा की गई है, बाजार में ये आपको मिलेगा एकालक्स, कवच या धानुलक्स के नाम से। क्विनाल्फॉस का ही दूसरा फॉर्मुलेशन है 1.50 dp, इसकी अनुशंसित मात्रा है 250 ग्राम। पॉड बोरर के लिए इसकी अनुशंसा की गई है। तीसरा जो कीटनाशक इस लिस्ट में आप देख रहे हैं थायमेथॉक्सम 30 FS, बीज उपचार के समय पे इसकी अनुशंसा की गई है, इसकी अनुशंसित मात्रा है 10 ml प्रति किलोग्राम बीज। शूट फ्लाई या तना मक्खी के नियंत्रण में बीज उपचार के लिए अनुशंसा की गई है, बाजार में आपको मिलेगा क्रूजर, परफॉर्म या सुरक्षा प्लस के नाम से। क्लोर एंट्रानिलिप्रोल 18.5 sc, ये चौथा कीटनाशक है, 150 ml प्रति हेक्टर इसकी अनुशंसित मात्रा है। हरी सेमिलुपर इल्ली, तना मक्खी या चक्रभृंग के नियंत्रण के लिए इसकी अनुशंसा की गई है। कोराजन, कवर ऐसे अनेक नामों से मार्केट में उपलब्ध है। अगला जो कीटनाशक है पांचवा, इमामेक्टिन बेंजोएट 1.90 ec, 425 ml प्रति हेक्टर इसकी अनुशंसित मात्रा है। हरी सेमिलुपर इल्ली, फली छेदक इल्ली, चक्रभृंग या तंबाकू की इल्ली के लिए इसकी अनुशंसा की गई है। लार्वी ग्रीन या बायो कंट्रोल के नाम से ये मार्केट में आपको उपलब्ध है। इस साल एक और नया कीटनाशक CIB के लिस्ट में जुड़ा हुआ है, ब्रोफ्लानिलीडे 300 sc इसका नाम है, 42 से 62 ग्राम प्रति हेक्टर इसकी अनुशंसित मात्रा है। चने की इल्ली, तंबाकू की इल्ली और हरी सेमिलुपर इल्ली के नियंत्रण के लिए उपयोगी है। एक्सपोनस के नाम से बाजार में ये शायद उपलब्ध है। साथियों सातवां जो कीटनाशक इथियॉन 50 cc, 1500 ml प्रति हेक्टर है, इसकी अनुशंसित मात्रा चक्रभृंग एवं तना मक्खी उसके नियंत्रण के लिए उपयोगी है। फ्रीडम या फॉस्माइट के नाम से ये उपलब्ध है। आठवां जो कीटनाशक है कार्बोफुरान 3% cg, 1500 ग्राम इसकी अनुशंसित मात्रा है। रूटनॉट निमेटोड का अगर प्रकोप कुछ क्षेत्रों में होता है, वैसे तो इसका कॉमन नहीं है, लेकिन उसके लिए अनुशंसित की गई फुरान 3G के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। अगला जो कीटनाशक है नौवां, फ्लूबेंडियामाइड 20 wg, 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टर इसकी अनुशंसित मात्रा है। तंबाकू की इल्ली और हरी सेमिलुपर इल्ली के लिए अनुशंसित किया गया है। टाकुमी या टाकीवी के नाम से ये बाजार में आपको शायद मिल जाएगा। फ्लूबेंडियामाइड दूसरा फॉर्मुलेशन है 39.35 sc, इसकी जो अनुशंसित मात्रा है 150 ml, पत्ती खाने वाली इल्लियों के लिए अनुशंसित की गया है। फेम, फ्लूबेन या गेम के नाम से आपको मार्केट में उपलब्ध हो सकता है। अगला जो कीटनाशक है 11वां, इमिडाक्लोप्रिड 48 FS, ये भी बीज उपचार के लिए अनुशंसा भी है इसकी, 125 ml प्रति हेक्टर की इसकी अनुशंसा है। जासीड जो रस चूसक कीट है उसके नियंत्रण के लिए इसकी अनुशंसा की गई। गाउचू या इमिडोन के नाम से आपको बाजार में शायद मिल जाएगा। 12वां जो इंसेक्टिसाइड है इंडोक्साकार्ब 15.8 sc, 333 ml प्रति हेक्टर इसकी मात्रा है। तंबाकू की इल्ली, चने की इल्ली या हरी सेमिलुपर इल्ली यानी कि पत्ती खाने वाले कीड़ों के नियंत्रण के लिए इसकी अनुशंसा की गई है। अवांट या धावा के नाम से या अन्य कोई नाम से भी ये बाजार में आपको शायद मिल जाएगा। साथियों इस सूची में 13वें नंबर पर आप इस समय पर देख रहे हैं कीटनाशक का नाम है लैम्बडा साइलेथ्रिम 4.90 cs, अनुशंसित इसकी मात्रा है 300 ml प्रति हेक्टर, तना मक्खी या हरी सेमिलुपर इल्ली के नियंत्रण के लिए उपयोगी है। बाजार में लैम्बडा के नाम से मिलेगा, लैम्बडा गोल्ड के नाम से मिलेगा या ब्लैक स्कॉर्पियन, ऐसे अनेक नामों से विभिन्न कंपनियां इसको बनाती है। 14वें सूची में आप देख रहे हैं मेलाथियॉन 50 cc, 1500 ml प्रति हेक्टर इसकी अनुशंसित मात्रा है। लीफीविल के लिए इसका लेबल क्लेम है, करासिड के नाम से शायद ये बाजार में उपलब्ध है। 15वें नंबर पे इस समय पे आप देख रहे हैं प्रोफेनोफॉस 50 cc, बहुत ही कॉमन ये इंसेक्टिसाइड है, 1 लीटर प्रति हेक्टर इसकी अनुशंसित मात्रा है। हरी सेमिलुपर इल्ली या चक्रभृंग के नियंत्रण के लिए काम में आएगा। 16वें नंबर पे आप देख रहे हैं स्पाइनोटेरम 11.7 sc, 450 ml प्रति हेक्टर इसकी अनुशंसित मात्रा है।
तंबाकू की इल्ली के नियंत्रण के लिए काम में आएगा। डेलीगेट या लार्गो के नाम से आपको शायद बाजार में उपलब्ध होगा। 17वां जो इंसेक्टिसाइड है आप इस समय पे देख रहे हैं, ये बिल्कुल नया है, इस साल ही इसकी लिस्ट में शामिल हुआ है, टेट्रानीलिप्रोल 18.18 SC। इसकी अनुसंचित मात्रा है 250 से 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टर और ये विशेष रूप से चक्रभृंग सेमिलुपियर इल्ली या तंबाकू की इल्ली के नियंत्रण के लिए इसका लेबल क्लेम है। वायोगो के नाम से यह शायद बाजार में आपको मिलेगा। 18वें नंबर पे आप देख रहे हैं थाइक्लोप्रिड 21.7 SC 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टर इसकी अनुसंचित मात्रा है। चक्रभृंग के लिए इसका लेबल क्लेम है और अलांटो के नाम से बाजार में उपलब्ध है। अगले जो चारों इंसेक्टिसाइड है वो कॉम्बिनेशन इंसेक्टिसाइड है, इसमें संपर्क विष भी है और सिस्टमिक भी है। तो 19वें नंबर पे आप देख रहे हैं बीटा साइप्लोथ्रिन प्लस इमिडा क्लोप्रिड, इसका कॉम्बिनेशन है ये। इसकी जो मात्रा है 350 मिलीलीटर प्रति हेक्टर, इसका लेबल क्लेम मिला है चक्रभृंग या हरी सेमिल लुपर इल्ली के नियंत्रण के लिए, बाजार में सोलोमन के नाम से उपलब्ध है। 20वें नंबर पे आप देख रहे हैं नोवालुरान प्लस इंडोक्साकार्ब, इसकी जो अनुसंचित मात्रा है 825 से 875 मिलीलीटर प्रति हेक्टर और तंबाकू की इल्ली, चने की इल्ली या हरी सेमिलोपर इल्ली इसके नियंत्रण के लिए इसका लेबल क्लेम है। नोवाकर्ब या प्लेथोरा के नाम से शायद ये बाजार में आपको मिल जाएगा। 21वें नंबर पे आप देख रहे हैं थायमिथॉक्सम प्लस लैम्बडा साइलोथ्रिन, इसका संयुक्त मिश्रण है, 125 मिलीलीटर इसकी अनुसंचित मात्रा है। तना मक्खी, हरी सेमिलोपर इल्ली या चक्रभृंग के लिए नियंत्रण में इसका टारगेटेड इंसेक्ट है और अली का अकीरा या क्रिस्टा के नाम से बाजार में उपलब्ध होगा। और इस सूची में अंतिम इंसेक्टिसाइड आप देख रहे हैं क्लोरएंट्रानीलिप्रोल प्लस लैम्बडा साइलोथ्रिन, ये दोनों की मिला हुआ संयुक्त ये कीटनाशक है। इसकी जो अनुसंचित मात्रा है 200 मिलीलीटर प्रति हेक्टर और इसका जो लेबल क्लेम मिला है लीफ वर्म, चक्रभृंग, हरी सेमलुपर इल्ली और तना मक्खी के नियंत्रण के लिए। तो साथियों, ये थे हमारी जो सोयाबीन के कीड़ों के नियंत्रण के लिए अनुसंचित कीटनाशकों की सूची। धन्यवाद।